होटल ड्राइविंग 24 में चल रही श्री शिव महापुराण कथा को 12 ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ विश्राम दिया गया। कथा व्यास राधेश्याम व्यास ने गणेश का सिर काटे जाने और उनके गजराज का सिर लगाने की जानकारी दी। कथा व्यास ने बताया कि भगवान गणेश के जन्म के बाद सभी देवता उन्हें देखने आए, इनमें शनिदेव भी शामिल थे। दर्शन कर सभी चले गए मगर शनिदेव रह गए। माँ पार्वती ने उनसे पूछा, आपने गणेश को देखा? वो बोले, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं जिसे देख लेता हूँ उसे 7.5 का दोष लग जाता है। मगर माँ पार्वती के आग्रह पर उन्होंने गणेश को देख लिया। इससे उन्हें 7.5 का दोष लग गया और उनका मुख काला हो गया। इस अवसर पर महाराज ने सभी 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना से लेकर उनके दर्शन और उनकी महिमा की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। व्यवस्था में प्रदीप शुक्ला, ममता शुक्ला, अनुराधा, मनोज चौधरी, गरिमा मुख्य रूप से सभी ने अपना सहयोग दिया। कभी देखना आचार्य विद्वान प्रमुख जी महाराज गणेश गोला की पूजन के बाद इन 16 देवियों की पूजन कराते हैं। गोला पद्मा सची मेघा सावित्री लिया गया देव सेना आदि 16 मंत्र बोल करके इन देवियों की पूजन करते हैं। यह 16 गांठ वाला संत की माला का आशीर्वाद निर्माल्य प्रसाद का धागा बहुत शक्तिशाली होता है। जिसके घर के दरवाजे पे लग जाए उसके घर में ऊपरी पराई टोना टोटका नजर किसी प्रकार का नहीं लग सकता। वास्तु दोष समाप्त तो होता है, देव दोष समाप्त तो होता है, ऋषि दोष समाप्त तो होता है, पितरों का दोष भी समाप्त तो हो जाता है। माला उस पत्नी को पहना दे जिसको संतान की आवश्यकता हो और वो इसी तरह इसी विधान से फूल माला का प्रयोग करती हुई इस 16 की है उस कमरे के दरवाजे के अंदर वो इसको बांध लेना चाहिए। जो बीमार रहता है दवाई लेने पर भी इलाज नहीं होता, इस धागे को बीमार के कमरे में बांध कर देखिए आप। मेरे जीवन का बहुत बड़े प्रैक्टिकल मैंने किया है, हजारों ही टीवी के माध्यम से लाखों लोगों को प्रभावित करके देखा। व्यापार में चल रहा हो तो अपने व्यापार की प्रतिष्ठान में दुकान हो, फैक्ट्री हो, कार्यालय हो, जो भी व्यापार का हमारा भाव है उसके मुख के द्वार पर इस धागे को बांध कर देखना। व्यापार में जो भी टोटका होगा, कष्ट होगा, कमी होगी, निश्चित रूप से संत की कृपा से व्यापार आगे से आगे बढ़ता है। अंदर तुम्हें भगवान ने कई असुरों का, राक्षसों का संहार किया,